स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और आज हम चैप्टर सेवन साउंड एक्सरसाइज सेवन सी करने वाले हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ म्यूजिकल साउंड तो ये पेज नंबर 166 पे है आपके टेक्स्ट बुक में ऑन द टॉप ऑफ द पेज नंबर 166 यू विल फाइंड थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाउडनेस पिच एंड क्वालिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू के लिए आंसर्स आर ऑलरेडी गिवेन क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए भी ऑलरेडी गिवन है फोर के लिए भी तो फोर के लिए आप देख लो दो वेवस हैं ऑफ़ सेम पिच हैव एम्पलीट्यूड इन द रेशियो वन इज टू थ्री वॉट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लाउडनेस तो लाउडनेस का रेशियो क्या होगा तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ़ एम्प्लीट्यूड तो वन बाई थ्री का स्क्वायर हो जाएगा तो दैट विल भी वन बाई नाइन तो वन इज टू नाइन गिवन है और फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसीज जो हैं सेम रहेंगी क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है कि हाउ डज द वेव पैटर्न ऑफ अ लाउड नोट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ सॉफ्ट नोट ड्रॉ अ डायग्राम डायग्राम भी ड्रॉ करना है तो देखते हैं पेज नंबर वन सिक्सटी सिक्स पे ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स यहाँ देखो सॉफ्ट नोट के लिए और लाउड नोट के लिए डायग्राम यहाँ पे गिवन है और आप देख सकते हो कि जो सॉफ्ट नोट होता है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड का होता है और ये जो लाउड नोट होता है वो लार्ज एम्पलीट्यूड का होता है डिपेंडेंसी कैसी है कि लाउडनेस जो होता है साउंड का डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पे बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की तो ऑलरेडी आंसर गिवेन है तो सेवन देखते हैं कि वाई इज द लाउडनेस ऑफ द साउंड हर्ड बाई अ प्लग्ड वायर इंक्रीज वेन इट इज माउंटेड ऑन अ साउंड बोर्ड साउंड बोर्ड पे रखने के बाद वो जो है इंक्रीज क्यों कर जाती है लाउडनेस तो इसका आंसर देखो क्या होगा कि एज द एरिया इंक्रीजेस जब उसको प्लग करते हैं साउंड बोर्ड पे तो एज द एरिया इंक्रीजेस लार्जर एरिया लार्जर एरिया ऑफ एयर वाइब्रेट एंड साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयरस इंक्रीजेस तो जब साउंड एनर्जी रोजीच कहती है हमारी ईयर तो इंक्रीज कर जाती है इसीलिए लाउडनेस जो है इंक्रीज कर जाता है क्वेश्चन नंबर एट है कि डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव स्टेट द यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड दिस क्वेश्चन इज दिस आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 166 पेज 166 में बॉटम में देखो आप इंटेंसिटी पे दिया हुआ है कि द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव एट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया टू दैट पॉइंट और इसका यूनिट क्या है इट्स यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर यूनिट भी देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नाइन है कि हाउ इज़ द लाउडनेस ऑफ साउंड रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूसिंग इट पेज नंबर 167 पे देखते हैं तो हियर अ रिलेशनशिप इज गिवन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी लाउडनेस इज इक्वल टू

बट लाउडनेस इज नॉट सेम एज द इंटेंसिटी रीज़न क्या है रीजन यहाँ है कि इंटेंसिटी जो होती है दैट इज मेजरेबल क्वान्टिटी वाइल लाउडनेस इज अ सेंसेशन क्वेश्चन नंबर इलेवन नाउ कि स्टेट थ्री फैक्टर्स विच अफेक्ट द लाउडनेस ऑफ अ साउंड हर्ड बाई अ लिसनर तो पेज नंबर वन सिक्सटी सिक्स पे बॉटम में राइट हैंड साइड में देखो जहाँ लिखा है सब्जेक्टिव नेचर ऑफ लाउडनेस एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ इंटेंसिटी तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो होती है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे इंटेंसिटी के अलावा सेकेंड रीजन दिया हुआ है द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर और थर्ड क्या होती है डेंसिटी ऑफ मीडियम तो ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसकी लाउडनेस जो है कोई आदमी सुनता है तो वो डिपेंड करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है कि द बेल्स ऑफ अ टेम्पल आर बिग इन साइज ई होता क्या है बेल्स का जो होता है उसके अंदर जो दिया हुआ है उसको जब हम बजाते तो होता क्या है कि वो डिसप्लेस करता है लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर बिकॉज ऑफ इट्स बिग साइज़ बड़े साइज का होता है घंटा तो वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर जो है कि डिसप्लेस करता है हिन्स द लाउड साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन एयर इसीलिए जो है कि लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है एयर में क्वेश्चन नंबर थर्टीन फोर्टीन गिवेन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते हैं कि वॉट इज माई नॉइज पॉल्यूशन नेम वन सोर्स ऑफ साउंड पॉल्यूशन ऑन पेज नंबर वन हंड्रेडी एट वी कैन सी हियर अंडर द हेडिंग दॉइज पॉल्यूशन कि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूसड इन इन्वॉर्मेंट ड्यू टू अनडिजायरेबल लाउड एंड हार्श साउंड ऑफ लेवल अबव डिजवेल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज लाउड स्पीकर साइन मूविंग वहीकल एटसेट्रा इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन तो जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल भी हो गया लाउड स्पीकर हो गया सायरन हो गया और मूविंग व्हीकल हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है कि वॉट डिटरमाइन द पिच ऑफ अ साउंड तो फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन करती है पिच ऑफ साउंड सेवनटीन गिवेन एटीन देखते हैं कि नेम एंडिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल टू साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस बट ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज

साउंड है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की सेम लाउडनेस पे आ रही हैं तो हमारी सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स जो है वो क्या कर देंगी उसको सही तरीके से परसेप्ट करेंगी परसीव करेंगी और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है कि ड्रॉ अ डाइग्राम टू शो द वेव पैटर्न ऑफ अ पिच नोट एंड अ लो पिच नोट बट ऑफ द सेम लाउडनेस पेज वन सेवेंटी पे बॉटम ऑफ द पेज वन सिक्सटी नाइन देखो लो पिच नोट और हाई पिच नोट

the length of the air column decreases so the frequency of the sound produced increases the sound becomes shriller and shriller thus by hearing the sound from a distance one can get the idea of water level in the picture question number 21 already given 22 also 23 also 24 video 25th question how does the two sounds of the same loudness and same pitch Produced by different instrument differ. Draw diagrams to illustrate your answer. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पेज नंबर वन सिक्सटी नाइन यू कैन सी क्वालिटी की हेडिंग के अंडर दिया हुआ है कि क्वालिटी या टिम्बर ऑफ अ साउंड वो कैरेक्टरिस्टिक होता है जो डिस्टिंग्विश करता है दो साउंड को ऑफ सेम लाउडनेस और सेम पिच के इमिटेड बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर वेब फॉर्म तो दोनों अलग अलग वेब फॉर्म बनाएंगे तो देखो इस तरीके से यहाँ पे ये यह डायग्राम है कि दोनों का क्या है अलग अलग डिफरेंट वेव फॉर्म है तो इस डिफ़रेंट वेव फॉर्म से हम जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो डिफरेंट साउंड्स को सेम लाउडनेस के और सेम पिच के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखते हैं दो आइडेंटिकल गिटार गिटार्स हैं आर प्लेड बाय टू पर्सन टू गिव नोट्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच विल दे डिफर इन क्वालिटी टू गिव अ रीजन फॉर यंसर तो हाँ वो डिफर करेंगे क्वालिटी में और कैसे तो वेव फॉर्म की वजह से अब यहाँ पे दिया हुआ है कि दो म्यूजिकल नोट हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में ऑफ सेम पिच एंड सेम लाउडनेस आर प्लेड ऑन टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट देर वेव पैटर्न आर शोर इन द फिगर वायलिन का पियानो का एक्सप्लेन वाई आर द वे पैटर्न डिफरेंट जस्ट अंडर द बॉक्स ब्लू बॉक्स इन दोनों के बगल नीचे दिया हुआ है ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड सेवेंटी यू कैन सी आफ्टर द डायग्राम एंड आफ्टर दिस ब्लू बॉक्स इट इज गिवन, रीजन दिया हुआ है दोनों के लिए कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट सब्सिडरी नोट अ नोट प्लेड ऑन पियानो हैड अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सिडरी नोट वाइल सेम नोट वेन प्लेड ऑन अ ल्यूड कंटेन करता है कुछ ही सब्सिडरी नोट thus we can easily distinguish between the sound of a piano and a flute by their different waveform though they may be of exactly the same loudness and same pitch question number 28 hain, which characteristic of sound make it possible to recognize a person by his voice without seeing him the, awake, the sound from each vibrating body has its characteristic waveform दिस मेक इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिकोगग्नाइज द वाइब्रेटिंग बॉडी इवन विदाउट सीइंग इट और यू जनरली रिकोगगनाइज अ प परसन बाई हियरिंग वंस वॉइस सिर्फ आवाज़ सुन के किसी को हम पहचान लेते हैं या फिर टेलीफोन पर बिना देखे हुए इट इज बिकॉज द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाई द वोकल कॉर्ड ऑफ ईच पर्सन हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वेव फॉर्म विच इज डिफरेंट फ्राम डिफरेंट पर्सन के हर किसी इंसान का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है कि वेव फॉर्म वोकल कॉर्ड से जो निकलता है वोकल कॉर्ड से जो भी वाइब्रेशन निकलता है वो अलग अलग जो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेवफॉर्म फॉर्म प्रोड्यूस करता है ट्वेंटी नाइन इट इज़ ऑलरेडी गिवन लेटेस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी भी दिया हुआ है थर्टी वन ऑल्सो थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर क्वेश्चन देखते हैं थर्टी फोर्थ ओके इट इज़ नॉट गिवेन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर देखते हैं कि इन वॉट रिस्पेक्ट डज द pattern पैटर्न ऑफ नॉइस एंड म्यूजिक डिफर ड्रॉ to टू एक्सप्लेन योर Number नंबर वन सेवेंटी वन देखो दोनों के दोनों ही म्यूजिक के लिए भी वेव फॉर्म दिया हुआ है और नॉइस के लिए भी वेव फॉर्म दिया हुआ है तो दोनों के बीच में हमको जो डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ लिखा है कि देयर इज़ नो शार्प डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइस डिफरेंस कैसा होता है सब्जेक्टिव होता है साउंड जो कि किसी के लिए म्यूजिक है मे बी नॉइस टू अदर फॉर एग्जाम्पल पॉप सॉन्ग म्यूजिक का यंग जनरेशन के लिए होता है और जबकि ये नॉइस होता है ओल्डर जनरेशन के लिए इफ़ यू वॉन्ट टू सी द डिफरेंस तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉइस के लिए क्या होता है नॉइस और इसके बीच में डिफरेंस क्या है कि प्लेजेंट कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस होता है रेगुलर और पीरियडिक वाइब्रेशन से जबकि इसमें देखो ये ऐसा साउंड होता है नॉइस प्रोड्यूस्ड बाई एन इेगुलर सक्सेस ऑफ डिस्टर्बेंसेस और ये यूजुअली एक डिसकन्टीन्यूअस साउंड होता है लास्ट क्वेश्चन है कि स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन अ म्यूजिकल नोट एंड नॉइज़ तो यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर वन सेवेंटी वन पे म्यूजिक और नॉइस के बीच में डिफरेंस तो यू कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर तो दिस ऑल्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज तो आई होप ये काफ़ी मदद करेगा आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने में So that's all for this video please do subscribe and share my channel thanks for watching